जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में। ये रिपोर्ट आई है, भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर दिखाई गई है इसमें, और इसको मिनिस्ट्री ने लेके, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने भी बहुत इस रिपोर्ट को क्या किया, डिनाई कर दिया है। क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसे पहलुओं की पड़ोसी देशों जो नेबर कंट्री है भारत की, उनके साथ भी इस रिपोर्ट में क्या है, उनकी पोजीशंस ज्यादा अच्छी दिखाई गई है भारत की पोजीशन के अपेक्षा यहाँ पे। तो इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, भारत की यहाँ पे रैंकिंग है वो 111वीं रैंक है, 125 कंट्री में दिखाई गई है 2023 में, ठीक है। और 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 107 रैंकिंग थी, 121 कंट्री में 2022 में। अच्छा, ये हम बात एक चीज बता दें यहाँ पे, ये रिपोर्ट है एनुअली आती है, हर साल इसको रिलीज किया जाता है। तो 2023 की रिपोर्ट में 111वीं यहाँ पे पोजीशन थी भारत की, और जो पड़ोसी देश थे भारत के तो उनकी ज्यादा अच्छी यहाँ पे दिखाई गई है। जो पाकिस्तान की जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, वहां की कंडीशन अभी क्या चल रही है और उसकी रिपोर्ट में क्या प्लेस है उसका, सारी चीजों पे हम बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जान लें। ये एक प्री रिव्यू रिपोर्ट है, मतलब एक दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये एक ज्वाइंटली दी जाती है, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और एक वेल्थ हंगर हिल्फे है। वेल्थ हंगर हिल्फे क्या है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का बेस्ड, जो फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन चलाता है सारी चीजें। और जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी और जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं इनको सबको टैकल करती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे हंगर देखते हैं और इस बेस पे ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। इसके बाद हम करें, इस रिपोर्ट के चार इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पर ये देखते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, फिर इंडेक्स को रिलीज करते हैं। तो पहला यहाँ पे है अंडर नरिशमेंट, जिसमें कि ये क्या देखते हैं कि कितने लोगों ने, मतलब न्यूट्रिशन की प्रॉपर तरीके से उस न्यूट्रिशन को नहीं लिया गया, जहाँ पे कह सकते हैं खाली पेट आधे पेट उन्होंने भोजन खाया है, कि अच्छे से उन्होंने न्यूट्रिशन इनटेक नहीं किया है, ठीक है। दूसरा आता है चाइल्ड स्टंटिंग, और चाइल्ड स्टंटिंग में 5 साल से कम उम्र के बच्चे देखे जाते हैं जिनकी एज पे, जिनकी जो एज है उस एज पे उनकी हाइट नहीं है, 5 साल से कम बच्चे। और चाइल्ड वेस्टिंग में, चाइल्ड वेस्टिंग में 5 साल से वो बच्चे देखे कम देखे जाते हैं जिनमें जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है, तो वो जाए। और ये सब किसकी वजह से होता है, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी देखी जाती है, जहां 5 साल के बच्चे, 5 से कम साल के बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, किसकी वजह से, अनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब पर्याप्त न्यूट्रिशन ना मिल पाना, या अनहेल्दी एनवायरमेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चारों ही इंडिकेटर की बेस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ पे भी इंडिया की जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो इन्हीं चार बेस इंडिकेटर पे तैयार की गई है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ट्रैवल ग्रुप हैज रिसेंटली डिसाइड टू बॉयकॉट छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। यहाँ पे बोला गया कौन सा ट्रैवल ग्रुप है, जनजातीय समूह है, जिसने हाल ही में छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। अब ये तो पता लग गया कि ये जो ट्रैवल ग्रुप है वो छत्तीसगढ़ का है, तो इन्होंने इलेक्शन असेंबली को, जो असेंबली के इलेक्शन थे विधानसभा के, उनको बॉयकॉट कर दिया। तो भील जनजाति है, थारू जनजाति है, टोंड है या कोरवा है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में हम इसको आंसर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों। तो भारत का यहाँ पे जो स्कोर है वो 28.7 रखा गया, उन चार इंडिकेटर के बेस पे ही क्या किया जाता है, इसका जो स्कोर तैयार किया जाता है। तो भारत का यहाँ पे स्कोर 28.7 है, और जो बहुत ही क्या है, बहुत ही दयनीय है, भारत की स्थिति यहाँ पे क्या है, बहुत गंभीर है दिखाई गई है। देखो इंडिकेटर में दिख रही है, जिसकी 9.9 तक से कम है वो बहुत सही है, 10 से 19.2 मध्य है, और यहाँ पे आपकी गंभीर है फिर चिंताजनक है, ठीक है। तो पाकिस्तान की यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, 102 प्लेस पे रखा गया, भारत से भी नीचे रखा गया। बोला गया कि भारत में भुखमरी ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है भुखमरी, जबकि अभी देखो कंडीशन कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन इतना है कि मतलब आटा भी 800-900 रुपए किलो मिल रहा है, वहां पे लाले पड़े हैं उनके भुखमरी के, और उनकी रैंक अच्छी दिखाई गई है, ठीक है। बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69, श्रीलंका की 69 दिखाई गई। तो भारत के जो पड़ोसी देशों की जो पोजीशन है भारत से अच्छी दिखाई गई है, तो ये काफी चिंताजनक होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने भी इस पे क्या किया, बहुत ही ज्यादा आपत्ति जताई, इस रिपोर्ट को डिनाय किया है। अच्छा, इन कंट्रीज की तो मान सकते हैं, जो अफ्रीकन कंट्री हैं, चैड है, नाइजर है, लेसोथो, कांगो, इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे इनकी जो रैंक है वो बहुत कम आ रही है, मतलब ज्यादा है इनकी, लास्ट से आ रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है जिसपे विचार नहीं है थोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो रिपोर्ट है, यहाँ पे जो चाइल्ड वेस्टिंग है ना, चाइल्ड वेस्टिंग,
चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की को बोला गया 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग रेट है भारत। तो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने क्या किया, इस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उस पर चिंता जताई और इसको डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया इस रिपोर्ट को। और उनका कहना है कि भारत की जो रियल सिचुएशन है वो ये नहीं जानते हैं, उससे ये वाकिफ ही नहीं है रियल सिचुएशन क्या है भारत की। और ये मतलब इन्होंने बना दिया। अब इसका मिनिस्ट्री ने क्या किया, मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसका बाकायदा क्लियर एक्सप्लेनेशन भी दी, ये बोला गया इस रिपोर्ट में। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है 18.7 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो क्या करती है वो अंडर न्यूट्रिशन को दर्शाती है, अंडर न्यूट्रिशन को दर्शाती है, बहुत ज्यादा अति कुपोषण को दर्शाती है, इंडिकेट कर रही है। और अंडर न्यूट्रिशन का मतलब समझ रहे हो आप, कि मतलब जो बच्चे हैं उनकी हाइट के मुताबिक दुबला पतला और कम वजन का होना, अंडर न्यूट्रिशन ये हो गया। हाइट के जितनी हाइट है नहीं उसके मुताबिक भी वो बहुत दुबले पतले और कमजोर हैं, अंडर वेस्टिंग में ये आ गया। ये रिपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ने कहा है, ये रिपोर्ट जो दर्शा रही है 18.7 का रेट दे रही है चाइल्ड वेस्टिंग का, ठीक है। वहीं रिपोर्ट में चार में से तीन इंडिकेटर तो क्या है, बच्चों की हेल्थ पे है, जिसमें हमने बात की थी चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, मोर्टेलिटी हो गया और चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, तीन तो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड है, बाकी एक अंडर नरिशमेंट है वो बच्चों से रिलेटेड नहीं है। तो चार तीन इंडिकेटर तो क्या है, बच्चों से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ने ये भी कहा। तो कैसे, सीधी बात, तीन जब इंडिकेटर बच्चों से रिलेटेड है तो कैसे ये पूरी आबादी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस आधार पे तो पूरी आबादी को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। और जो चौथा इंडिकेटर है उसमें भी क्या है, उसमें भी मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो फोर्थ इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट में क्या है कि जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना बच्चों को मिल नहीं रहा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उसको भी इन्होंने क्या किया, कम से कम 3,000 सैंपल, 3,000 सैंपल इन्होंने क्या किए, पॉपुलेशन के जो कुपोषित थे, जो माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, उनके कम से कम 3,000 सैंपल के बेस पर इन्होंने क्या किया, एक ओपिनियन पोल करवाया। और उस ओपिनियन पोल के आधार पर इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार कर। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि अप्रैल 2023 से उन्होंने एक न्यूट्रिशन ट्रैकर, पोषण ट्रैकर पर 5 साल तक के बच्चों के आंकड़े अपलोड किए गए और कंटिन्यू किए जा रहे हैं, बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा, मिनिस्ट्री का कहना है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो अप्रैल 2023 में मिनिस्ट्री ने कहा कि 6.34 करोड़ था आंकड़ा, अब ये बढ़कर कितना हो गया सितंबर में, ये बढ़कर सितंबर 2023 तक ये बढ़कर 7.27 करोड़ हो गया, ये मिनिस्ट्री का कहना है। तो पोषण ट्रैकर पर जो आंकड़े देखा जाए, न्यूट्रिशन ट्रैकर पर, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग का आंकड़ा लगातार क्या है, लगातार ये आंकड़ा 7.2% से क्या है, गिरावट नीचे है, नीचे देखा जा रहा है। लेकिन अब मिनिस्ट्री कह रही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो चाइल्ड वेस्टिंग का रेट दिखाया जा रहा है वो कितना दिखाया जा रहा है, वो 18.7 है। भैया कहां से दिखाया जा रहा है, हम कंटिन्यू आंकड़े अपलोड कर रहे हैं वहां पे, तो आंकड़ों के अनुसार तो 7.2% दिखा रहा है कि रेट, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिखा रहा है 18.7%। तो इस बात को लेकर मिनिस्ट्री ने क्या किया, डिनाई कर दिया। अच्छा, मिनिस्ट्री ने ये भी क्लियर कर दिया कि यहां पर दो इंडिकेटर है, एक तो चाइल्ड स्टंटिंग है, एक चाइल्ड वेस्टिंग है। स्टंटिंग में तो क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग हाइट ना बढ़ना, वेस्टिंग में क्या होता है कि जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम रह जाना, ठीक है। वेस्टिंग में क्या है, यहाँ पे जो चाइल्ड, एक तो चाइल्ड स्टंटिंग था, एक चाइल्ड वेस्टिंग, तो वेस्टिंग में क्या था कि भूख के अलावा और भी इंडिकेटर थे जिन पे इंडिकेटर निर्भर करता था, पहलुओं को देखना था। तो एक तो उनमें से पहलू ये था कि स्वच्छता था, इन्वायरमेंट था, और जो खाद्य सामग्री थी, ग्रेन्स जो लेते हैं हम, ठीक है, इसके बाद जेनेटिक था, ये चार इंडिकेटर भी तो थे। इन पहलुओं के बेस पे भी तो चाइल्ड वेस्टिंग देखी जा रही थी, हंगर के ही बेस पे इंडेक्स क्यों देख रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने तर्क दिया, बताया कि ये रिपोर्ट जो है भारत की वास्तविक जो स्थिति है भारत में उससे अवगत नहीं है, ठीक है, और ये कुछ भी बना दे रहे हैं। और ये भी एक चिंताजनक बात है कि पाकिस्तान की पोजीशन भारत से हंगर इंडेक्स में अच्छी है, तो ये सोचने वाली बात है काफी ज्यादा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन कि विच ट्रैवल ग्रुप हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बायकॉट छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। तो इनमें से जो आंसर है हमारा वो है हमारा कोरबा, कोरबा जनजात। तो कोरबा जनजात आपकी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलती है, झारखंड में भी देखने को मिलती है, और ये आपको यूपी के मिर्जापुर में भी देखने को मिलती है, यूपी के मिर्जापुर, मिर्जापुर में भी देखने को मिलती है। अच्छा, इन्होंने डिनाई क्यों कर दिया, इसका कारण था कि इनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य ना हो,
अब जैसे ड्रिंकिंग वाटर की समस्या सॉल्व नहीं हुई है, बिजली की समस्या सॉल्व नहीं है, सड़क की समस्या नहीं, मोबाइल टावर इत्यादि बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य नहीं हुए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब बाइकॉट कर दिया इलेक्शन कि हम वोट ही नहीं देंगे, जाओ। तो कोरवा जनजाति के बारे में जान ले, तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ और झारखंड की PVTZ है। PVTZ अब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब में आती है, तो पांच आती हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब में जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एक तो बिरहोर आती है, कमर आती है, कोरबा आती है, बैगा आती है, अबूझा मैदा आती है, पांच आती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कोरबा जनजाति क्या है जिसने बाइकॉट कर दिया ये। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।